नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। एक तरफ यूपी के उपचुनाव तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लिए मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार उनकी पार्टी के नेताओं पर ऐसे संगीन आरोप लग रहे हैं जिससे सीधे तौर पर अखिलेश यादव का दामन भी गंदा होता नजर आ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लगातार बलात्कार जैसे अपराधों में घिरते सपा नेताओं की और उनकी वजह से बिगड़ती सपा की राजनीति की। अभी अयोध्या का मामला खत्म भी नहीं हो पाया था कि कन्नौज के मामले ने एक बार फिर अखिलेश यादव के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। एक तरफ जहां अयोध्या कांड में नाबालिग से हुए बलात्कार में अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे थे, तो वहीं कन्नौज वाले मामले में तो सपा के नेता जी का वीडियो ही सामने आ गया जिससे सारी पोल पट्टी खुल गई। वहीं नाबालिगों के साथ बलात्कार जैसे मुद्दे पर एक बार फिर सभी सोचने पर मजबूर हैं। देखिए ये रिपोर्ट और जानिए कैसे अयोध्या और कन्नौज दोनों जगह घिर गए सपा नेताओं की करतूत से अखिलेश यादव और डिंपल यादव। उत्तर प्रदेश के कन्नौज पुलिस ने समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव को नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने रविवार रात नवाब सिंह यादव के डिग्री कॉलेज से उसे गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस पोक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया। जानकारी के मुताबिक तिरवा क्षेत्र निवासी पीड़िता अपनी बुआ के साथ नौकरी मांगने के लिए नवाब सिंह यादव के चंदन सिंह डिग्री कॉलेज गई थी। बुआ का आरोप है कि नवाब सिंह ने मेडिकल कॉलेज में नौकरी दिलवाने की बात कही थी। बुआ का कहना है कि वो थोड़ी देर के लिए मौके से हटी तो नवाब सिंह ने भतीजी से रेप का प्रयास किया। जैसे ही वो पहुंची तो इसका विरोध किया और 112 डायल कर पुलिस बुलाई, जिसके बाद देर रात मौके पर पहुंची पुलिस ने नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया। नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही सोमवार सुबह कोतवाली में समर्थकों की भीड़ जुट गई, जिसके बाद पुलिस ने सभी को समझा कर वहां से हटाया। दिलचस्प बात तो ये भी है कि सपा ने नवाब सिंह से ही पल्ला झाड़ लिया। कहा जा रहा है कि नवाब सिंह यादव अब सपा के नेता नहीं है, पहले कभी हुआ करते थे। सपा के कन्नौज जिला अध्यक्ष कलीम खान ने कहा कि वो किसी भी तरह से समाजवादी पार्टी का सदस्य नहीं है। वो करीब 5 साल से पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल था और वो पार्टी का सक्रिय सदस्य नहीं है। वहीं अखिलेश और डिंपल यादव सोशल मीडिया एक्स पर ट्रोल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी को लेकर भी तरह तरह की बातें की जा रही हैं। एक्स यूजर्स अपराधियों से समाजवादी के रिश्तों पर बात कर रहे हैं, क्योंकि 2012 में डिंपल निर्विरोध सांसद चुनी गई थी, तब स्थानीय स्तर पर नवाब सिंह की इस निर्विरोध जीत में अहम भूमिका रही थी। उस वक्त नवाब डिंपल यादव का राइट हैंड माने जाते थे। इतना ही नहीं, 1999 में राजनीति सीख रहे अखिलेश यादव ने स्थानीय स्तर पर सक्रियता रखने और जमीन पर जनता से जुड़ाव रखने के लिए युवाओं की टीम बनाई थी। लोहियाबाई ने जिलाध्यक्ष होने के नाते नवाब सिंह यादव उसमें अहम भूमिका में आ गए। धीरे धीरे वो अखिलेश के करीबी नेताओं में आ गए। 2006 में वो कन्नौज सदर सीट से ब्लॉक प्रमुख चुने गए। हालांकि अब बीजेपी लगातार ये सवाल पूछ रही है, क्या अब भी अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की मांग करेंगे? अयोध्या रेप केस में तो उन्होंने ऐसा ही किया था। देखा जाए तो अखिलेश यादव जब यूपी के मुख्यमंत्री थे तो कन्नौज के प्रशासनिक और सियासी गलियारों में नवाब को मिनी सीएम कहा जाता था। नवाब के घर पर कन्नौज में दरबार लगते थे और हर तरह के मामलों को वहीं पर सुलझाया जाता था। मगर 2022 में नवाब विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन अखिलेश ने उन्हें टिकट नहीं दिया। नवाब नाराज होकर चुनाव में घर पर बैठ गए। 2024 में अखिलेश के कन्नौज से लड़ने पर वो फिर सक्रिय हुआ। रणनीति से लेकर बूथ मैनेजमेंट तक की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। अखिलेश जीते तो उनके अच्छे दिन आने की बात भी कही जा रही थी, लेकिन अब नवाब पर जिस तरह से छेड़छाड़ का आरोप लगा है उससे अखिलेश भी बैकफुट पर आ गए हैं। हालांकि अखिलेश ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।